गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज भाई हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने उसमें क्या देखा कि भाई अगर हम किसी कंडक्टर को किसके अंदर प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उस कंडक्टर को फास्टली मूव कराते हैं, अप एंड डाउन या रोटेट कराते हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब हमें वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तो हुआ, लेकिन अब वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, मोशन हम इस डायरेक्शन के अंदर कराते हैं, तो करंट किस डायरेक्शन के अंदर इंड्यूज होगा। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बात याद रखिए, वो जो हम पहले मोटर से पहले हमने स्टडी किया था वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। क्या था? लेफ्ट हैंड रूल। और उससे भी जो पहले किया था वो था राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और ये हमारा वो राइट हैंड रूल था, वो मैक्सवेल का था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। लेकिन जो आज हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। यानी कि ये किसके लिए, राइट हैंड के लिए। और किसने द्वारा दिया गया है, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आज हम स्टडी करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में कि ये राइट हैंड रूल होता क्या है, ठीक है भाई। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट। तो ये थी भाई हमारी स्टेटमेंट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। क्या कहता है, इट स्टेट दैट, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन द थंब एंड फोर फिंगर, यानी कि राइट हैंड का हमारा ये थंब और ये फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर ऑफ राइट हैंड, किसकी, राइट हैंड की, आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या हो, तीनों की तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट द थंब पॉइंट, अब जो ये थंब है हमारा वो किसकी पॉइंट की डायरेक्शन में आए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, यानी कि जो अंगूठा है हमारा वो किसकी डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में हमारी जो कॉइल है उसकी मोशन हो रही है। यानी कि अगर हम कॉइल को अपवर्ड कर रहे हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट, राइट लेके आ रहे हैं तो राइट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी मोशन की डायरेक्शन है ऑफ कॉइल या कंडक्टर, उसी की डायरेक्शन में हम किसको रखते हैं, थंब को रखते हैं, ठीक है। कॉइल फोर फिंगर एंड फोर फिंगर पॉइंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये फोर फिंगर है हमारी, ये है फिंगर, कौन सी फिंगर, फोर फिंगर, किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा या परमानेंट मैग्नेट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। देन द सेंट्रल फिंगर, तो जो हमारी ये सेंट्रल फिंगर है, ये वाली फिंगर, ठीक है, पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड रूल में भी हम क्या लेते थे, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या, मोशन की डायरेक्शन होती थी हमारी। इसी को सेम क्या कर दिया, बस चेंजेस क्या है, राइट हैंड आ गया, यानी कि यहाँ पे मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, बट चेंज ओनली इन दिस इज राइट हैंड। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके अंदर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमने स्टडी किया कि वी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी किया, उसके अंदर हमने क्या देखा, करंट कॉइल है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कराते हैं तो क्या होती है, करंट इंड्यूस होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट जनरेट द करंट, यानी कि वो एक ऐसी डिवाइस बन गई जो क्या कर रही है, करंट को जनरेट कर दे। यानी कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जनरेटर के बारे में, ठीक है। हालांकि उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो अब हमने उसी की बेस के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही
हमने किसको डेवलप किया? जनरेटर को। क्या बनाए? जनरेटर बनाए। अब ये जनरेटर्स क्या है, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम दो टॉपिक्स स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे जनरेटर्स के अंदर भी यूज होते हैं, ठीक है। इससे पहले कि आप जनरेटर्स को समझो, हम किसको समझते हैं, पहले दो टॉपिक समझते हैं। अब ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, वो क्या हैं? अल्टरनेटिंग करंट्स एंड डायरेक्ट करंट, या जिसको हम एसी और डीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एसी एंड डीसी होते क्या है, मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। एसी करंट क्या है या डीसी करंट क्या है हमारा, पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। अब ये एसी, हमारे जो करंट्स है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। करंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अब इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं वन बाई वन करके। पहले हम स्टडी करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, उसके बाद डायरेक्ट करंट के बारे में ब्रीफली। इसके अंदर हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या और ये किस प्रकार से ट्रेवल करते हैं वेव के अकॉर्डिंग, ठीक है। एसी एंड डीसी, ये दो नेमिंग्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, एसी करंट के बारे में। तो पहला आता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट क्या है भाई, अल्टरनेटिंग करंट। मैं यहां पे आपको एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। अल्टरनेटिंग करंट, अब अल्टरनेटिंग करंट क्या कहता है भाई, अल्टरनेटिंग करंट वुज मैग्नीट्यूड्स, क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड्स की ऑन चेंजिंग, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो हमारा, चेंज होता जाए विद टाइम, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, एंड हुज पोलरिटी, और इसकी पोलरिटी भी क्या हो जाए, चेंज आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। सपोज कीजिए ये हमने ग्राफ लिया, यहां पर हम क्या लेते हैं, टाइम, यहां पर क्या चेंजेस हो रहा है हमारा, टाइम चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और यहां पर हमने लिया है करंट, क्या लिया, आई, किसकी वैल्यू ली है, करंट की, क्योंकि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारा किसी पॉइंट के ऊपर, हम मान लेते हैं यहां से हमारा करंट क्या करता है, चल जीरो था इस पॉइंट के ऊपर, क्या था, जीरो, फिर वो चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है इस प्रकार से, और फिर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पे आता है और फिर वापस डाउन आता है और फिर क्या ऐसे चले जाता है, माइनस के अंदर और फिर वापस बढ़ता है और फिर इस प्रकार से ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। जब हम यहां से लेके यहां तक जाते हैं तो ये टाइम लेता है टी टाइम, क्या लेता है, टी टाइम लेता है इसको कंप्लीट होने में, ठीक है, क्या लेता है, टी टाइम लेता है। और यहां पर जो हमारा करंट है वो क्या है, आई मैक्सिमम है, ये जो हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तब। अब जब हम इसके ऊपर देखते हैं एट दैट पॉइंट, यहां पर करंट की वैल्यू क्या थी हमारी, जीरो, और टाइम भी क्या था, जीरो, यानी कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा था करंट फ्लो करना हमारा। अब जैसे ही इसका अंदर क्या होता है, देखो करंट हुआ मान लो हमारी यहां पे एक सेकंड, दो सेकंड, कुछ भी मान लेते हैं, हम समझने के लिए बातें भैया वन सेकंड ले लेते हैं, यहां पे टू सेकंड, थ्री सेकंड, फोर सेकंड, फाइव, सिक्स, सेवन, और ये क्या आ गई, एट, आगे फिर एट सेकंड हो जाएंगी, ठीक है। अब जब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर करंट था हमारा मान लेते हैं वन एम्पेयर, क्या था, वन एम्पेयर, यहां पर टू एम्पेयर, यहां पे 3 एम्पेयर, यहां पे क्या था, ये 5 एम्पेयर, हालांकि 4 भी आएगा बीच में, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि 1 सेकंड के ऊपर हमारा करंट की वैल्यू क्या थी, 1 एम्पेयर, देखो 1 सेकंड के ऊपर क्या करंट फ्लो कर रहा था, 1 एम्पेयर का, फिर हमने देखा कि भाई 2 एम्पेयर पे क्या था, 2 सेकंड, 2 सेकंड पे क्या था, 2 एम्पेयर, या इसको अगर आप 2 सेकंड भी नहीं मानोगे तो 1 एंड हाफ, क्या आएगा, वन एंड हाफ सेकंड पे क्या था हमारा, टू एम्पेयर का, क्या करंट फ्लो कर रहा था, टू एम्पेयर का। अब हमने देखा यहां पर, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, टू सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा हमारा, थ्री एम्पेयर का, फिर हम आगे और बढ़े तो क्या आ गया, थ्री, थ्री पे क्या था, फोर एम्पेयर का। तो जब हम इस प्रकार से देख रहे हैं
कि क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। कैसे? टाइम के हिसाब से। यानी कि अल्टरनेटिंग डिफ्यूज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? करंट का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो रहा है? कीप ऑन चेंजिंग, चेंज हो रहा है। देखो चेंज हो रहा है ना, जीरो था पहले, उसका वन एम्पेयर हुआ, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर और फिर फाइव। क्या हुआ? फाइव। और फाइव के बाद फिर क्या होने लग जाता है? वापिस से डाउन आने लग जाता है, फोर थ्री टू वन एंड इन लास्ट जब इस पॉइंट पे पहुंचता है यहां पर क्या करंट होता है? वापिस से जीरो। और फिर यहां से चलता है तो क्या आता है? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और माइनस फाइव से फिर क्या आ जाए? माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन एंड जीरो। नीचे वाले का हमेशा कैसे होते हैं? ये जो हमारी ये कैसी लाइन है? बेस लाइन है। यहां से ऊपर क्या? प्लस, और नीचे क्या होता है? माइनस। यानी कि जो ऊपर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसीलिए कहा कि मैग्नीट्यूड जो है ना हमारा वो क्या होता है? चेंज होता है विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। समझ में आई भी बात? तो यहां से हम जब यहां से यहां तक चलते हैं और यहां तक पहुंचते हैं तो हमारा क्या होता है? करंट की वैल्यू चेंज होती जाती है। किसके साथ? टाइम के साथ साथ। ठीक है, हालांकि 8 सेकंड का हमने एग्जांपल लिया है और वो भी हाफ साइकिल है। ये यहां से यहां तक जब कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं हम हाफ साइकिल। कंप्लीट होता है जीरो से चल के वापिस कहां पर आ जाए? यहां पर आ जाए, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट साइकिल। यहां से यहां तक का जो ये ट्रेवल किया जाता है, यानी कि जब एक पूरी कंप्लीट वेव बनती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को मिला के जो टाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अभी नोट करा दूंगा क्या होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट वेव। क्या बोलते हैं? कंप्लीट पाथ या कंप्लीट वेव भी बोल देते हैं। ठीक है, हमारी यहां तक कंप्लीट होती है। तो ये इससे ऊपर वाला कैसा था करंट हमारा? पॉजिटिव। और नीचे वाला कैसा आया? नेगेटिव। मैंने आपको बताया ना ऊपर वाला करंट कैसा होता है? पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव। इसीलिए वुज पोलरिटी चेंज, इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है? पोलरिटी का मतलब क्या है? हमने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्टडी किया था। क्या किया था? कि पोलरिटी का क्या मतलब होता है? अगर पहले पॉजिटिव करंट था तो बाद में क्या आ जाए? नेगेटिव। और नेगेटिव था तो कैसे हो जाए? पॉजिटिव। तो यहां पर पहले कैसा करंट था? पॉजिटिव। बाद में कैसा हो गया? नेगेटिव। कैसा हो गया? नेगेटिव। तो क्या चेंज हो गई? पोलरिटी। इट्स वुज पोलरिटी चेंज, जिसकी पोलरिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। एक हाफ साइकिल, ये क्या हमारा? हाफ साइकिल। और ये क्या? कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट वेव, हाफ वेव। लेकिन इसको अगर स्टैंडर्ड नेम पूछना तो आपको एग्जैक्टली कंप्लीट साइकिल ही बोलते हैं। यहां से यहां तक का जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट साइकिल। और ये यहां से यहां तक का क्या है? हाफ साइकिल, या इसको हम साइकिल भी बोल देते हैं। कंप्लीट नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, सिर्फ साइकिल बोल दो, वन साइकिल। ठीक है, तो ये क्या हमारी वन साइकिल है। अब आप देखोगे तो यहां पर क्या है? पॉजिटिव में है और यहां पर क्या है? नेगेटिव। जो हमारे घरों के अंदर करंट आता है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, दैट इज एसी। क्या होती है? एसी। आपने कभी उसके अंदर करंट मेजरमेंट किया है? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम हमेशा किसको चेक करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। हम हमेशा कहते हैं कितने वोल्ट बिजली आई है, कहते हैं ना। तो वो जो वोल्ट के अंदर बोल रहे हैं, वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल की। आप स्टडी कर चुके हैं पहले लेसन के अंदर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन अब हम इसके अंदर करंट को मेजरमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हमारा करंट यहां पर पॉजिटिव और यहां पर क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो कंप्लीट साइकिल के अंदर करंट हमारा क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि यहां से यहां तक हमने मान लो 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कराया, कुछ भी जस्ट मान लेते हैं 5 एम्पेयर का करंट फ्लो किया। ये कैसा था? पॉजिटिव। हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ में क्या आ गया? नेगेटिव। प्लस माइनस करो क्या बचेगा? कुछ नहीं, जीरो। तो कंप्लीट साइकिल का, कई बार एक नंबर में अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन एसी यानी कि इन अल्टरनेटिंग करंट व्हाट इज द टोटल करंट ऑफ ए कंप्लीट साइकिल। किसके बारे में? कंप्लीट साइकिल का टोटल करंट क्या होगा? तो वो क्या होता है? जीरो होता है। हाफ साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन कंप्लीट साइकिल का क्या होता है? जीरो होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, अगर आप इन सभी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो इनको लाइक भी किया करो भाई। ठीक है,
क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको ये समझ में आया भी है क्या नहीं, या मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है, तो इनको लाइक भी किया करो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो डिसलाइक कर सकते हो, लाइक और डिसलाइक कुछ ना कुछ जरूर किया करो, लेकिन किया जरूर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ये अकेला मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है। अगर मैं अकेला पढ़ाता रहूँगा और आप सब नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा उस पढ़ाने का। ठीक है, इसीलिए ये आप सभी का भी चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका ही चैनल है गुरुजी, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी किया करो भाई। उसी से क्या होता है, मुझे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। मैं कैसे समझूं कि बच्चों को जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ में आ रहा है? वो सिर्फ आपके लाइक्स, जब आप वीडियो करते हो तो मैं समझता हूं कि हाँ, बच्चों को जो मैं समझाना चाहता था वो समझ आ रहा है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में, नीचे आपके कमेंट्स बॉक्स होता है, हाँ नीचे, ठीक है, और वहाँ पर आप कमेंट्स लिख सकते हैं। और जो सब्सक्राइबर का बटन भी होता है वो कहाँ पर होता है, आपके लेफ्ट में होता है ना नीचे, और उसके साथ में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करो। उससे क्या होता है कि आपको अगर जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको भी प्रेस किया करो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर वापस से। तो किसी भी एक अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, जो हमारी कंप्लीट साइकिल के अंदर, किसके अंदर, कंप्लीट साइकिल के अंदर टोटल करंट क्या होता है हमारा, जीरो होता है। समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज मैग्नीट्यूड्स कीप चेंजिंग। हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड्स, किसका, करंट का, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाता है। वो अलग मैटर है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है करंट या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एंड उस पोलरिटी चेंज, और उसकी पोलरिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है आफ्टर एवरी हाफ, सॉरी चेंज आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है, पहले बता देता हूँ टाइम पीरियड क्या होता है। जब हम यहाँ से चल के हमारी यहाँ तक एक साइकिल को कंप्लीट करती है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने में जो हमें टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मैं भी नोट करवाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक वर्ड और आता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड, यानी कि ऐसे ऐसे कितने साइकिल बने इन वन सेकेंड, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टेंशन नोट, अभी नोट करवा रहा हूं सभी, ठीक है, तो मैं इनको साफ कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये भी हमारा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, वन, कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ साइकिल, या हम सिंपली टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। अगर हम टाइम पीरियड ही बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये किसके लिए है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। समझ में आ गई बात भी। और इसको आप, वो तो आपको पता ही है कैसे होता है, ये इस प्रकार से एक वेव होती है हमारी, यहां से यहां तक इस साइकिल को पूरा करने के लिए जो हमें टाइम लगता है, यानी कि ये जो टाइम लगा, ये दैट टी टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। अब आता है एक टॉपिक और आता है इसी के ऊपर, जो बहुत बार पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, यानी कि जो ये हमारे साइकिल्स थे कितने कंप्लीट हुए इन वन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स हमारे कंप्लीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी क्या हमारी, यानी कि हमारे नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, यानी कि जो कंप्लीट साइकिल हो रहे हैं हमारे वो कितने हो रहे हैं इन वन सेकेंड, कितने टाइम के अंदर, वन सेकेंड बाई अल्टरनेटिंग करंट, किसके द्वारा, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ये इस प्रकार से,
ठीक है। अब यहां पर ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि भाई हमारा जो यहां से जो ये टाइम यहां तक लगा, ये क्या है, 1 सेकेंड है। यानी कि जो ये करंट ट्रेवल किया वो कितने टाइम के अंदर ट्रेवल किया, 1 सेकेंड के अंदर। तो अब इसने यहां तक कितने साइकिल्स को कंप्लीट किया, देखो यहां से स्टार्ट हुआ ये, यहां पर क्या होगा, 1 साइकिल, यहां तक क्या हो जाता है 1 साइकिल, यहां से ये 2 साइकिल, और यहां से ये क्या हो जाता है 3 साइकिल, यहां तक क्या हो जाते हैं 3 साइकिल। तो हमारी यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 3। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इज 3, क्योंकि हमने कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, 3 किए हैं भाई, कितने साइकिल किए हैं 3। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, क्या होती है हर्ट्ज। अभी नोट करवा देता हूं, कोई बात नहीं। अगर हमें कोई अगर ये हाफ वेव और कंप्लीट करे ये इस प्रकार से, यानी कि अगर हमारा मान लो 1 सेकेंड के अंदर ये यहां तक आ जाए, कहां तक आ जाए, यहां तक, 1 सेकेंड के अंदर हम यहां से चल के वहां तक पहुंच गए, ठीक है, 3 साइकिल तो कंप्लीट हो गए, लेकिन 4th क्या रह गया, हाफ रह गया। तो अब हमारी यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3.5 नहीं होगी, क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड, यानी कि जो साइकिल सिर्फ क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं। स्टार्ट हो चुकी है, हाफ हो गई है, या हाफ से ज्यादा हो गई है, या कंप्लीट होने वाली है, कोई मैटर नहीं, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट साइकिल चाहिए। कितना हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या चाहिए, पूरा साइकिल चाहिए। पूरा साइकिल है तो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे वो 99% ही कंप्लीट हो चुकी हो, अगर 1% रहती है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं ना, कंप्लीट साइकिल। तो हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड के अंदर जो साइकिल्स कंप्लीट हुए तो हमारी उसको क्या कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है भी? अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, क्या होती है, हर्ट्ज होती है, और इसको डिनोट करते हैं एच जेड से। किससे डिनोट करते हैं, एच जेड से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। अब हर देश के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमारी क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी अल्टरनेटिंग करंट को हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो हमारी यहां पर कितनी यूज होती है, 50 हर्ट्ज। जो एसी की फ्रीक्वेंसी हमारी वो क्या है, इन इंडिया 50 हर्ट्ज। आप यूएसए की देखोगे, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पर होती है हमारी 60 हर्ट्ज, यानी कि वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे ये क्या कर रहे हैं, 50 क्या कर रहे हैं, 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। अमेरिका में कितने हो रहे हैं, 60 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, 60 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है भाई। तो ये था भी हमारी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। और अगर इसके अंदर कोई ये पूछे कि हमारी जो पोलरिटी चेंज होती है वो क्या होगी, कई बार ये कहता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, क्या है, 50 हर्ट्ज है, तो जो हमारा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी वो कितने बार होगी, यानी कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो क्या होगी हमारी कि कितनी बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो देखो हम क्या देखते हैं कि ये हमारा अगर एक वेव कंप्लीट होती है 1 सेकेंड के अंदर तो हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, 1। अब 1 के अंदर यहां से हमारा ये आता है करंट और यहां पर, यानी कि एक बार प्लस था उसके बाद क्या हुआ, माइनस हुआ, तो चेंज हुई, यहां से किसमें गई, प्लस में 1, और ये क्या हो गया, सेकेंड टाइप पे चेंज हो गई, ठीक है।
तो इसीलिए अगर हम टाइम को चेंजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 50 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 100, कितने बार चेंज हो जाएगी हमारी, 100 टाइम्स चेंज होती है किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है हमारी, एक साइकिल के अंदर दो बार चेंजेस होती है हमारी, एक बार तो ये जीरो थी हमारी, जीरो से किसमें गए प्लस, वन पॉइंट हो गया, प्लस से फिर क्या है जीरो आ गए वापस, न्यूट्रल आ गए, एक बार चेंज हो चुकी है हमारी पोलरिटी, क्योंकि पहले जीरो से हम कहां गए प्लस के अंदर, प्लस से वापस किस पे आ गए जीरो पे, न्यूट्रल हो गया अभी, ठीक है एक बार चेंज हो गई, फिर किसमें आए जीरो से माइनस के अंदर आए, तो सेकेंड टाइम हो गया ना, यहां पर पहले प्लस था हमारे पास, फिर क्या था नेगेटिव, तो ये दो बार चेंज होती है एक साइकिल के अंदर। अब हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी है कितनी, 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में क्या है वो 50 बार 50 साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन एक साइकिल में दो बार चेंज होती है, तो 150 में क्या हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाई में 2 एंड दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स, यानी कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अल्टरनेटिंग करंट इज 100 टाइम, कितने बार होगी 100 टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो ये था भी आपका टॉपिक रिलेटेड टू, हमने आज क्या क्या स्टडी किया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा ये फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, वही सेम करंट, सॉरी सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये थंब क्या होता है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसकी डायरेक्शन में होता है मोशन की डायरेक्शन में, सेम वही था हमारा जैसे लेफ्ट हैंड रूल था, बस चेंजेस किया लेफ्ट की जगह राइट आ गया, राइट। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के एसी एंड डीसी, एसी क्या होता है वो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा आता है टॉपिक वो आता है डीसी, क्या आता है डीसी, अब ये डीसी क्या है, अब हमारा वही नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट करंट, क्या कहता है दैट करंट हुज डायरेक्शन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जिसकी डायरेक्शन क्या रहती है हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि जिससे पहले वाले में क्या होता था हमारी पोलरिटी चेंज होती थी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा एक ही लाइन के अंदर चलता है, यानी कि ये इस प्रकार से जैसे ये क्या हमारा करंट आई, यहाँ पर हमारा क्या आता है टाइम, और यहाँ पर क्या है करंट, यानी कि द डायरेक्शन हुज डायरेक्शन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि अगर पॉजिटिव करंट आ रहा है उसके अंदर तो वो हमेशा क्या देगा पॉजिटिव ही देता रहेगा, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, और अगर उसमें नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। कैसा रहता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो इसलिए कहा गया हुज करंट डायरेक्शन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन क्या रहती है हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, थ्रू इट्स मैग्नीट्यूड इज आइदर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट मीन जैसे हमने ये लिया, ये क्या है कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है, यानी कि हमारी करंट की वैल्यू यहां पर अगर 5 एम्पेयर थी, क्या थी 5 एम्पेयर, तो पूरे साइकिल में या जब तक ये हमारा फ्लो करेगा कैसा फ्लो करेगा 5 एम्पीयर ही फ्लो करता जाएगा। लेकिन हम इसको वेरिएबल भी ले सकते हैं, कैसे, यहां पे हमने लिया तो यहां पे हमने क्या किया, पहले यहां पे 4 एम्पीयर का करंट था और यहां पे क्या 6 एम्पीयर का, ये हमने निशान लगा ली, तो यहां पे ये पहले यहां तक 4 एम्पीयर फ्लो किया, फिर एकदम से पीक पे जाता है ये कितने एम्पीयर 6 एम्पीयर, फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए यानी कि 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए फिर क्या फ्लो करे 6 एम्पीयर और फिर वापिस से क्या आ जाए 4 एम्पीयर, ठीक है, फिर आगे चले जाए, लेकिन रहता कैसा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस में नहीं जा रहा है ये, इस वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा, हमेशा किस में रहता प्लस में, लेकिन पहले 4 एम्पीयर था प्लस का, फिर क्या हो गया 6, फिर क्या आ गया 4, लेकिन रहा तो प्लस का ही ना। तो हमारा दो प्रकार से होता है, या तो एक ही कॉन्स्टेंट करंट मिलता रहे हमें, मैग्नीट्यूड्स भी क्या रहे हमारा कॉन्स्टेंट रहे, या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल हो सकता है, यानी कि कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है, बट डायरेक्शन क्या हमारी चेंज नहीं होती, जैसा एसी के अंदर होता है हमारा एक बार प्लस का और एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा डीसी के अंदर नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, यहां पे साइकिल ही नहीं है,
तो फ्रीक्वेंसी कहां से निकाले? अब ये बताओ, इसके अंदर ये करंट डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, साइकिल है कहीं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई साइकिल? अब आपको कहे सर यहां पे रहा, कहां है साइकिल भाई? पहले 4 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा था, इंस्टेंटली 6 एम्पीयर पे आ गया उसी टाइम पे। यहां पे ऐसा नहीं है कि पहले 4 था फिर 4.1 हुआ, 4.2 हुआ, 4.3 और फिर जाके 6 एम्पीयर हुआ, नहीं, पहले 4 था, 4 जैसे यहां पे खत्म हुआ एकदम से इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया 6 एम्पीयर, राइट? तो यहां पर हमारा कोई साइकिल नहीं होता, और जब साइकिल ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना हमारी डायरेक्ट करंट की, वो क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। और ये जो हमें करंट है वो कहां से मिलता है? हमारे घरों में इन बैटरी होती है ना, जो बड़ी बड़ी हम इन्वर्टर पे लगाते हैं, इन्वर्टर से बाहर तो हमारा जो आता है वो एसी होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो एसी होती है। कैसी होती है? एसी होती है। लेकिन डीसी हमें कहां से मिलती है? हम सेल डालते हैं क्लोक के अंदर, रिमोट्स कंट्रोल्स के अंदर, उनके अंदर जो हम सेल डालते हैं उस पर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला आपको कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा देता है? डायरेक्ट करंट। सेल से हमेशा या बैटरी से हमें कैसा करंट मिलता है? डायरेक्ट करंट मिलता है, ठीक है? ये हमारे एग्जाम्पल है कि हमें डीसी करंट कहां से मिलता है? बैटरी से मिलता है, ठीक है? बहुत सारे और भी सोर्सेज होते हैं, हम जनरेट भी करते हैं डीसी करंट को, ठीक है? तो ये था हमारा डीसी करंट भाई। आई होप इनको आप समझ पाए होंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट। इनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ लॉसेस भी होते हैं, वो आप अगर हायर क्लास में जाओगे तो आपको बता दिए जाएंगे। वैसे अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आए तो मैं उस टाइम बता दूंगा भाई, ठीक है? आगे हम कभी डिस्कस करेंगे अगर उनके बारे में, अगर कोई टॉपिक्स में आते हैं तो। अदरवाइज क्या है, आज के लिए हमारा यही था, काफी लंबा टॉपिक हो गया आज के लिए, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? अगर आया हो तो भी फिर वही से रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल्स आल्सो, ठीक है? आज के इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।